सो फ्रेंड्स, अब हम लोग टीएस ग्रेवाल सीबीएसई बोर्ड ट्वेल्थ की चैप्टर टू है आपका पार्टनरशिप का फंडामेंटल, उसकी अब हम ये इलस्ट्रेशन एट कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। अ मैन एंड वोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। बिजनेस इज कैरीड ऑन फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन, मतलब अमन की प्रॉपर्टी से ही हम बिजनेस कर रहे हैं और उसका रेंट भी इन्होंने कर रखा है 24,000। अमन इज टू गेट सैलरी एंड वोमन इज टू गेट अ कमीशन। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वाज 5 लाख रुपीज। ठीक है, ओके। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हमसे सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पूछा है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो हम करेंगे प्रॉफिट। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आफ्टर रेंट टू अमन 5 लाख में से 24,000 कम कर देंगे, ये आया 4,76,000। ध्यान दीजिएगा, यही पोर्शन है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। आप रेंट वाला पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कभी नहीं बांटेंगे। अब आप बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए यहां पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट फ्रॉम, चाहो तो पी एंड एल लिख दो, ये आपका हो गया 4,76,000। 5 लाख में से 24,000 आप अपना कम कर देंगे। तो 4,76,000 हो जाएगा। अब आप लिखेंगे सैलरी देनी है कितनी अमन को। सैलरी टू अमन ये हो गया आपका 1,20,000। कमीशन किसको देना है, कमीशन देना है बोमन को, जो सेल हुई है 30 लाख, उसका 5% उन्हें कमीशन देना है, तो ये आएगा 1,50,000। ठीक है जी, ये हमारा 4,76,000 है, ये 4,76,000 है, तो ये 2,06,000 ये हमारा बैलेंस बच रहा है, ये प्रॉफिट है, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स को। अमन बोमन इक्वली बांटना है, तो 1,03,000 और 1,03,000 ये हम अपना प्रॉफिट बांट देंगे इक्वल। ठीक है, चलिए समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक इलस्ट्रेशन का वीडियो शीट कर रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको क्या है, वो 2-5 मिनट के वीडियो देखने हैं आपको, जो आपको देखना सिर्फ वो वाली इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएगी।